और सभी बालक बालिकाओं, आज जो ये आयोजन 12वीं क्लास रा छात्र छात्रा हमारी जो विदाई समारोह आयोजन है, ये उपलक्ष में श्री मुकेशी तांडी संतों ने भी याद करिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। आज रे इस अवसर माते इस संस्था रा प्रथम जो संस्थापक श्री भंवरलाल जी तांडी आप श्री ने भी अपना याद करा और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करा, क्योंकि इस संस्था रे वास्ते श्री भंवरलाल जी रो बहुत जो भारी योगदान रहियो है। मेरो व्यक्तित्व और मेरी जीवन शैली और शिक्षा रे प्रति जो मेरी भावना ही वो वास्तु में ही याद करने योग्य है। तो आज अपा सभी श्री भंवरलाल जी ने एक बार सच्ची मन सो श्रद्धांजलि पुष्प दहाई आयोजन रे उपलक्ष में एक बार भंवरलाल जी ने याद करते हुए जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ में अपा मैंने याद करा। 12वीं क्लास राजु छात्र छात्रावा ने आज विदाई दे रिया है। सर्वप्रथम मैं आपरे उज्जवल भविष्य री शुभकामनाएं आपने देऊं और अनंत श्री दरियाव जी महाराज वे सरस्वती माता रे चरणों में प्रार्थना करूं कि आप सभी भविष्य उज्जवल में हो, आप अपने जीवन में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो और आप रो जीवन खुशहाल रहे, यही भगवान सु में पावन प्रार्थना करूं। साथ ही में आप सब बचाने में ये कहनी चाहूँ, कुछ चीज़ा में आपने पूछूला आप बताओला और हमारी बातों रो आप अनुसरण करोला। देखो सर्वप्रथम तो ये बताओ कि 4 बजिया किया किया बच्चा उठ जावे, हाथ खड़ा करो तो झूठ मत बोल, जो 4 बजिया कौन कौन उठे, ये 4 बजिया उठने वाला 3-4 बच्चिया है, बहुत बढ़िया। 5 बजिया किसे किसे बच्चा उठे, तो 4 बजिया में हाथ खड़ा कर लिया और 5 में हाथ खड़ा कर लिया, ऐसे नहीं वे भाई, सही बोलो। 5 बजिया किया किया बच्चा उठे, ठीक है नीचे करो हाथ। 7 बजिया कौन कौन उठे, 7 बजिया फिर भी बाकी है जी का ना, नीचे करो हाथ। आज रे बाद में आपने ये नियम लेना है कि प्रभात आपने जल्दी ठीक 5 बजे उठ जाना है, क्योंकि आप बच्चा हो नींद आवे आपने ज़्यादा और सुबह री नींद बड़ी गहरी भी आ करे, आपने सुबह जल्दी 5 बजे उठना है। आज रे बाद में कौन कौन उठी हाथ खड़ा करो, ठीक है नीचे करो। प्रभात रो जो समय है वो सबसे उत्तम समय बतायो गयो है शास्त्रों में। शास्त्रों में ये बतायो गयो है कि जो किसान सुबह जल्दी उठ, ये आप किसान बाबा अपने मध्य में बिराजी तेने पूछ लीजो आप, सुबह जल्दी उठ और अपने घरों कार्य करे, घरों धंधो करे, तो भी किसान रे घर में लक्ष्मी बढ़िया करे। प्राचीन समय से ही आपा सब किसान बरगरा बच्चा हाँ, तो आपने पतो एणो जोजे पुरानी समय में जो भी कार्य वेता खेती संबंधी, चाहे खेत में बीज भी बीजता तो सुबह भी जल्दी उठता, तो जो किसान सुबह जल्दी उठ और खेती रो कार्य करे मेरे लक्ष्मी बढ़े, और जो विद्यार्थी सुबह जल्दी उठ पढ़ाई करे मेरी विद्वत्ता बढ़िया करे। इस वास्ते आप सब ने सुबह जल्दी उठना है, ठीक है ना, सूर्य उदय रे पूर्व में आपने उठ जाना है। फिर बाद में ये बताओ कि सुबह उठते ही चाय कौन कौन पिए, ये चाय आड़ा ग्राइक नीचे करो। दूध कौन कौन पिए सुबह उठता ही, ये दूध पीने वाला नीचे करो। अब बताओ कि सुबह उठते ही पानी कौन कौन पिए, पानी ठीक है, एक बार जो पानी पिए रे वास्ते जोरदार ताली बजाओ। आपने अपनी दिनचर्या में सबसे पहले ये शामिल करना है कि सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुनो पानी पीनो है,
कितने गिलास? दो गिलास। सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी, चाय जो पी रही है मैंने चाय छोड़ देनी है। चाय में कितो नशो व्या करे आपने पतो है? एक कप चाय पियो और चाहे दो सिगरेट पियो बराबर नशो व्या करे। एक कप चाय पिए जो दो सिगरेट और नशो करन फिर स्कूल आया करे तो नशा में पढ़ाई थोड़ी वह है। आपने चाय नहीं पीनी है, सुबह उठ जल पान करनो है। क्यों? के अपने शास्त्रों में आयो है कि पहलो सुख कहीं है दुनिया में? बताओ, पहलो सुख है निरोगी काया। जब काया निरोगी रे, जब शरीर स्वस्थ रे, तो आप पढ़ सको, आप रो पढ़ाई में मन लागी, आप रो दिमाग तेज चली, और शरीर अस्वस्थ रहे तो पढ़ाई में मन नहीं लगे। फिर आपने ये काम करनो, एक सुबह उठते ही सर्वप्रथम में धरती माता ने प्रणाम करना है। फिर अपने माता पिता रे चरणों में प्रणाम करना है, और फिर स्कूल रवाने वो जब भगवान रे चरणों में प्रणाम करना है। नमस्कार में कितनी दाकतिया करे आपने गुरुदेव बतावे स्कूल में? मैं भी स्कूल में पढ़ी हो, जब ये श्लोक आतो, नमंती फलानी वृक्षा नमंती गुणीनो जना। फलदार वृक्ष हमेशा झुकिया करे और गुणी जन हमेशा झुकिया करे। और नमस्कार करना चार चीजा बढ़िया करे, किसी चार चीजा? आयुर्विद्या यशो बलम। जो नमस्कार करे मेरी आयु बढ़े, जो नमस्कार करे मेरी विद्या बढ़े, जो नमस्कार करे मेरो इस संसार में यश फैले, और जो नमस्कार करे मेरो आत्म बल बढ़े। तो आज रे बाद में इधर देखो, इधर आपने इधर देखो, सिर्फ आज मैं गुरुजी हूं आप रो, ठीक है? देखो, सुबह उठते ही धरती माता ने प्रणाम करनो, फिर अपने माता पिता ने प्रणाम करनो, और फिर भगवान रे चरणों में आपने प्रणाम करनो है। ये आसो आप नियम ले बोला, नमस्कार री प्रणाम री बड़ी जो भारी महिमा बताई है। भगवान राम जी सनातन धर्म रा जनक, अयोध्या रा राजा रामचंद्र जी प्रभात उठते ही सर्वप्रथम अपने माता पिता रे चरणों में प्रणाम करता है। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास लियो हो तो वे साथ में अयोध्या री मिट्टी लेगा हा, और हमेशा प्रभात उठते ही अयोध्या री मिट्टी ने प्रणाम करता हा। तो आज रे बाद में आपने नमस्कार और प्रणाम करना है। आओ, अब मैं कुछ भजन तो मैं हमेशा ही गाऊंगा, पर आपने कुछ देशभक्ति गीत, भारत माता री महिमा रा गीत मैं आपने सुनाऊला, आप सब सुन जो और साथ भी बोल जो, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि पिन गिरे तो भी आवाज आने दो जी। आपने सबने चुप रहना है और शांति पूर्वक ये गीत सुनना है, भजन सुनना है, ठीक है ना? पवित्र भूमि के माते आपा बैठना आओ। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा,
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सब बोलो जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। बोली भारत माता की, बोली सत्य सनातन धर्म की, बोली सरस्वती माता की। कवि लोग भी भारत भूमि की अनंत महिमा करी है और आपा किता भाग्यशाली हाँ कि अपने देश रो नाम कही है भारत। राजा भरत रे नाम रे माथे ई देश रो नाम रखियो गयो, जो एक बहुत प्रतापी और न्याय प्रिय राजा है। 52 वर्ष री आयु में अपना पुत्र ने राज्य दे और ये संन्यास आश्रम री तरफ चलिया गया। एक प्रतापी राजा भरत रे माते ई भारत देश रो नाम रखियो गयो और भारत भूमि री इती महिमा है कि देवता लोग भी भारत भूमि में जन्म लेने री इच्छा जताई और भारत भूमि में भी विशेष ये मारवाड़ री भूमि, राजस्थान री भूमि, संतों री भूमि रही है, ये सूरवीरों री भूमि रही है, ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसा विवेकशील लोगारी ये धरती रही है। ये कारण सो ई भारत भूमि रो गौरव पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में
धर्म री दूरी और अठे सभी धर्म रा लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैनी बौद्ध सभी एक साथ प्रेम रे साथ में रिया करे ये कारण सो धार्मिक सद्भावना रो भी संदेश पूरी पृथ्वी माते भारत रा लोग दिया करे। तो गीतकार कितनी अच्छी बात लिखी है कि जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा भारत रा ऋषि मुनि विशेषते ये तीन चीजा माते जोर दियो सत्य अहिंसा और धर्म। जीरे जीवन में सत्य है बिने आगे बढ़ने को कोई नहीं रोक सके है। समझ गए आप? तो छोटे बाल बच्चों ने सभी विद्यार्थियों ने मारो ये निवेदन रह लो कि आप अपने जीवन में एक बात आज की विदाई समारोह के उपलक्ष में जरूर अपने जीवन में धारण कर जावला कि आपने सत्य बोल लो। सत्य में सत्य की ताकत इतनी बड़ी व्या करे तो कई बार भी अपन देखा हाँ कि सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। और अपना जो अशोक चक्र रे माते विशेषते भारतीय जो गवर्नमेंट रे द्वारा लोगो लगायो गयो है सत्य में जयते सत्य री विजय व्या करे। देखो मैं आपने इरे बारे में प्रेरणादायी कहानी बताऊं। पुराने जमाने में एक गांव में कुछ लोग वृंदावन री तरफ रवाने भिया। वृंदावन जो भगवान कृष्ण री पावन भूमि रही है तो वृंदावन री तरफ रवाने भिया तो एक 15 साल रो छोटो बालक अपनी माँ ने कह रही है कि गांव रा कुछ लोग वृंदावन जा रहा है तो मैं भी साथ वृंदावन जाऊं। तो माँ क्यों ठीक है बच्चा तुम भी वृंदावन जा। तो माँ भी रे साथ भोजन बनाई रख दियो और साथ ही में मैंने 5 रुपया दिया। कितना रुपया? 5 रुपया 5 सिक्का। अभी तो बटुआ आएगा है पुराने जमाना री ये बात है तो बटुआ वेता नहीं है। तो माता भी बच्चारी माँ ही जो भी कपड़ा ने ऐसे सिल इधर टांको लगाए और बे 5 रुपया 5 सिक्का बिन डाल दिया और एक जोड़ी दे दी जिमें वो अपना कपड़ा रख लिया बच्चों और क्यों जोड़ी रे नीचे ने रख दीजिए थारे जरूरत पड़े तो इन्हें निकाल लीजिए जो ठीक है माता। तो वो अब वृंदावन यात्रियों रे साथ में रवाने वेगो। तो पहले दिन यात्रियों रो जत्थो कटी रात्रि विश्राम करियो। दूसरे दिन और पैदल चलिया। दूसरे दिन सामरा बे घने जंगल से निकल रिया यात्री वो छोटो बालक भी साथ में है। तो एक डाकू जो अपना डाकुआ रो सरदार अपना डाकुआ रे साथ में जो वो यात्रियों रो संघ हो भी रे चारों तरफ घेरो गाल लियो और वो सरदार ऑर्डर दे दियो कि जो भी अरे पास में सामान है जो भी धन है ये पूरा धन ने अरे पास में छीन लो। अभी सारो धन छीन लियो। छोटो वो बच्चो हो वो अपनी वो माँ जो जोड़ी दी ही भी जोड़ी ने ले रही एक तरफ बैठो चुपचाप ऐसे। तो एक सरदार बोले एक सरदार वो डाकू बोले एक सरदार वो एक छोटो बालक अरे पास में भी एक छोटो थैलो है। तो सरदार बोले इरकने थैला में कपड़ा वेला इरकन पैसा तोड़ी है। तो वो छोटो मासूम बालक कहीं बोले कि मार कने पैसा क्यों नहीं है मारी माँ मने 5 रुपया दिया है। कितना रुपया? 5 रुपया। अरे ये बच्चा कने 5 रुपया चलो इरो थैलो ले लो इरे पास में। सरदार कह मेरे बच्चा तू पागल है कहीं तू यदि नहीं बता तो कि मारे पास में 5 रुपया है तो अभी थारा ये 5 रुपया थारे पास में रह जाता और मैं थार का लेता नहीं फिर तू ना समझ है बात कहीं है। तो वो छोटो बच्चो सरदार ने कहे कि मैं पागल नहीं हूं नहीं मैं ना समझ हूं पर हे सरदार मैं छोटो हो जद ही मारा माता पिता मने ये शिक्षा दी चाहे गर्दन भी कट जावे तो भी झूठ नहीं बोलूंगा भी कारण से मैं झूठ नहीं बोलिया करूं भी छोटा मासूम बालक री ये बात सुन और कठोर हृदय वाला सरदार रो हृदय पिघल गो। अरे अरे ये छोटो बच्चो ही ने माता पिता कितना अच्छा संस्कार दिया है कि ये झूठ नहीं बोले कि मेरी ये सच्चाई और ईमानदारी देख
और वो सारो ही धन यात्रिया ने वापिस लौटाई दियो और सरदार से कुशल बेन ने वृंदावन छोड़िया और सरदार भी अपने जीवन में चोरियां छोड़ दी और ईमानदारी की कमाई करी। तो देखो साच में कितनी ताकत व्या करे। तो आपने सच बोलनो है, झूठ नहीं बोलो। नहीं झूठ कौन कौन बोले दकानी, हाथ खड़ा करो। कोई कौन बोले, होशियार तो है। तो हाथ कौन 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 बोले, हाथ खड़ा करो। साच कौन कौन बोले, हाथ खड़ा करो। हाथ तो सब बोले। कई बार घर का ने झूठो ही कह दो, मारो पेट दुखे है, मैं तो आज स्कूल कौन जाऊं, है ना। कई बार कहे आज छुट्टी है मारे तो। ऐसे तो झूठ नहीं बोलो आप, झूठ नहीं बोलनो है, साच बोलनो है आपको। हिंसा कोई भी नहीं करनी है, केड़ी सु ले राती तक। भगवान महावीर अहिंसा परमो धर्म रो संदेश भारत ने दियो है और धर्म रो पालन करनो है। धर्म कहीं सिखारियो, धर्म सिखारियो है कि एक दूसरा री सेवा करो, एक दूसरा रो सहयोग करनो है, माता पिता री सेवा करनी है। अब आप बच्चा पढ़ रहा हो, आप पढ़ लिख कर आगे बहुत बड़ा अफसर बनो, तो ये बात नहीं है कि आप अपने माता पिता ने भूल जाओ। आपने हमेशा माता पिता री और जो आपने विद्यालय में ये गुरुजी आपने जो संस्कार दिया है, ये संस्कार आने रे बात आने आपने कदई नहीं भूलनी है और आपने आगे बढ़नो है। तो भारतीय भूमि री अति विशेषता है। तो देखो भारतीय भूमि में अनेक सूरवीर भी विया, जिका सूरवीरा मो महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर भी विया, जो अंग्रेजों री जो मुगलों री गुलामी स्वीकार नहीं करी और भारतीय जनता ने जो मुगल लोग बार सो आई और अपने कब्जे में करनी चाहता है, भी समय महाराणा प्रताप भारतीय भूमि ने आजाद करने वास्ते हरे घास पूसरी रोटी खाई, पर वो अपनो धर्म नहीं छोड़ियो। भी कारण सु आज भी अपा महाराणा प्रताप ने याद करा। तो आओ एक भारत और राजस्थान री भूमि रा वीर पुरुष महाराणा प्रताप रो अपा जो भजन सुना, जो आपने सुनियोड़ो है, फिर भी एक बार आप ध्यान पूर्वक सुनो ला। जननी जने तो ऐसा जने, भक्त दाता और सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी थारो मति गमा जे नूर। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा विद्यालय में गुरुजी महाराणा प्रताप रे इतिहास रे बारे में बतावे, जब अपनों भी स्वाभिमान जागृत हो जावे, अपने भी देश प्रेम री भावना जो जागृत हो जावे। अरे में बाचो है इतिहास में मायड़ थे एड़ा भूत जण्या, अरे में बाचो हो इतिहास में मायड़ थे एड़ा भूत जण्या, जायो नहीं थारो रणवीरा बे सरदार बनिया, अरे थन पान ल जायो नहीं थारो रणवीरा बे सरदार बनिया। बेरिया रे मन सुबादी ला,
नर नारियो अकबर री शिनारे आगे वो झुकियो नहीं नर नारियो अकबर री शिनारे आगे हिंदवा सूरज मेवाड़ रतन हिंदवा सूरज मेवाड़ रतन वो महाराणा प्रताप पठे मायण थारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे भारत रातो बालक बालिका नहीं नर नारी नहीं पशु भी देश प्रेमी गया है। बहुत वर्षा पहला एक जय चित्तौड़ नाम की फिल्म आई है और भी जय चित्तौड़ फिल्म में महाराणा प्रताप री शूरवीरता रो बखान कयो गयो तो भी फिल्म ने भारत ईश्वर को किला लता मंगेशकर ई गीत ने गायो हो कि जद महाराणा प्रताप हल्दी री घाटी री युद्ध में दवाने गए तो महाराणा प्रताप री पत्नी महाराणा प्रताप रे घोड़े ने काई बोले बताओ महाराणा प्रताप रे घोड़े रो कई नाम हो कई नाम हो अरे हुनजी कोनी चेतक तो महाराणा प्रताप री वो पत्नी चेतक ने काई बोले तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का अरे हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का देना जवाब वहां शेरों की दहाड़ पवन वेग से हिलने वाले घोड़े हो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उनकी लाज रे हो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े हो पवन वेग से उड़ने वाले सवाज है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उनकी लाज रे आ माटी हल्दी घाटी री लागे केसर और चंदन है आ माटी हल्दी घाटी री लागे केसर और चंदन है माथे पे तिलक कराइन रोइन धरती ने नित वंदन है आरण भूमि तीरथ भूमि आरण भूमि तीरथ भूमि दर्शन करवा मन ललचावे इन वीर सूर मारी गाथा इवड़ा में जोश जगा जावे इन वीर सूर मारी गाथा जावे
पार्वता निज देखवया। हल्दी घाटी रे टीला से शिव पार्वता निज देख रया। अरे मेवाड़ी वीरारी ताकत अपनी नजरा से तोल रया। साचा कर्म करे जग में अठे जन्म ले नर नारी। जो साचा कर्म करे जग में अठे जन्म ले नर नारी। हिंदवा सूरज मेवाड़ रतन, हिंदवा सूरज मेवाड़ रतन, वो महाराणा प्रताप कठ है। मायड़ थारो वो भूत कठे, महाराणा प्रताप कठे। तुम चेतक रुसवार कठे, तुम महाराणा प्रताप कठे। बोली भारत माता की। ऐसे ई भारत भूमि में और विशेष मायड़ भूमि में महाराणा प्रताप जैसा सूर वीरारो बलिदान भी समय समय माते याद की जावे। देखो एक ही भारत वर्ष में संतों की परंपरा में एक साकी विश्व प्रसिद्ध है कि जननी जने तो ऐसा जनी, भक्त दाता के शूर नहीं तो रही जे बांझड़ी और मति गमाजे नू। यानी तीन जनारी विशेष विशेषता है। प्रथम है तो संतोरी भारतरी भूमि अनेकों संतोरी भूमि रही है, जिमे अनेकों सनातन धर्मरा हिंदू धर्मरा संत और अनेकों मुस्लिम धर्मरा संत, मोहम्मद साहब जैसा संत, अनेकों सिख धर्मरा गुरु नानक देव जी जैसा संत। ई भारतरी संस्कृति ने और ई भारतरी धर्म धुरी ने कायम राखी और वे धार्मिक सद्भावनारो संदेश दियो। आज भी अपनो क्षेत्र जिमे विशेषते मेड़ता में भक्त शिरोमणि मीराबाई भी आया। आज भी जद नागौर नो नाम आवे जिला नागौर तो सर्वप्रथम भक्तों में मीराबाई ने याद क्यों जावे कि नागौर री भूमि में मेड़ता में भक्त शिरोमणि मीराबाई भी आया। भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रेम भक्ति रे द्वारा भगवान कृष्ण ने साक्षात प्रकट कर दिया है। ऐसी माता मीरा ने बारंबार प्रणाम और भी अनंत श्री दरियाव जी महाराज भी आरण में और इधर आवा तो बुटाटी में क्या संत भी आ बताओ कई नाम चतुर्दास जी महाराज अपने नजदीक धाम है। देखो संतों री भक्ति रो कैसो प्रभाव है कि लकवा जड़ी लाइलाज बीमारी कठे ठीक नहीं वे पर अपने चतुर्दास जी महाराज रे मंदिर में जाए और प्रणाम करणो और परिक्रमा करणो लकवा जड़ी लाइलाज बीमारी ठीक हो जावे। बताओ ऐसे ये संतोरी भूमि रही, ऐसे ये कर्ण जैसा और बलि जैसा दान वीरोरी भूमि रही है और ये भूमि महाराणा प्रताप और जो अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में आजादी रो बिगुल बजायो हो ऐसा मंगल पांडे, तात्या टोफे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसा सूरवीरारी भूमि रही है। साथ ही में ये तो गरम दल रा नेता है। आपने इतिहास में पढ़ा है ना कि गरम दल और नरम दल, गरम दलरा यानी तेज, जिमे सर्वप्रथम कहे के भाई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति रो बिगुल बजायो हो मंगल पांडे और तात्या टोफे। ये विवाह विशेष अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत जी समय दास तारी बेड़ियों जड़ियोड़ो हो भी समय
हिंदू और मुस्लिम लोगारी भावना ने ठेस पहुंचा रिया। अंग्रेज लोग भी समय बे गाय और सूअर दी चर्बी रा जो कारतूस कारतूसारो जो प्रयोग कारतूसा में गाय और सूअर की चर्बी रो प्रयोग करता, तो हिंदू और मुस्लिम क्रांतिकारी भी समय अंग्रेज नारे खिलाफ बिगुल बजायो हो सजनो क्रांति रो। तो मंगल पांडे तांतिया टोफे और ई देश ने गुलामी री बैड़ियों आजादी दिलाने वाला भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु सुखदेव जैसा योद्धा वाला बलिदान ने भी ये भारतीय भूमि कदई नहीं भूल सके। तो नरम दलरा नेता महात्मा गांधी जाने कौन भूल सके भाई, जो अहिंसा रे साथ में हिंसा नहीं वे और अपनो भारत आजाद वे ई पावन संकल्प रे साथ में भारत रा लोगा ने अंग्रेजारी जो दासा तंदरी बेड़िया सो छुटकारो दिलायो। तो आज भी देखो स्कूल में महात्मा गांधी जी री फोटो देखा और जी स्कूल रो नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता और जैसा समाज सुधारक सरदार वल्लभ भाई पटेल रा जीवन ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल रा आदर्शा ने ये समाज कभी नहीं भुला सके भाई। इर वास्ते गुजरात री भूमि तो विशेष पवित्र रही है। गुजरात री भूमि में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात रही है और अनेकों और भी कई सूरवीर भैया और अभी भारत रा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वो भी अभी गुजरात रही है। मेरी भी जन्म स्थली गुजरात है, वो भी अपने देश ने सुचारू रूप में चला रिया है और भी भाजपा और कांग्रेस सभी पार्टियां रो ये अपने देश री सेवारे महीने अटूट योगदान रहियो है। तो भाई अपने जो भी अपना आदरणीय महापुरुष सूरवीर संत विया एका आदर्शा ने अपने जीवन में उतार और आपने भविष्य में आगे बढ़नो है। और अभी आप बच्चा हो तो आप रो ध्यान अभी केवल और केवल पढ़ाई में वेणो है, शिक्षा में वेणो है। आपने पढ़ाई कर अध्यापक डॉक्टर वकील इंजीनियर आईएएस आईपीएस एडी बड़ी बड़ी रैंका माते आपने पहुंचनो है और आपरा सपना बड़ा वेणा जोईजे और सपना रे साथ में आप रो परिश्रम भी रात दिन होनो चाहिए। इर वास्ते अभी आप रो ध्यान के में वेणो केवल पढ़ाई में वेणो। अभी जो गुरुजी आपने बातें बतावे भी बातें ने याद कर और फिर आपने मन लगाए और पढ़ाई करनी है। अभी लक्ष्य आप रो केवल पढ़ाई रो वेणो है। अभी इस समय में फोन रो युग ज्यादा है, समझ गा ना, तो बच्चा फोन भी ज्यादा चला रिया है। फोन कौन कौन चलावे बताओ, चलाओ ही कौन थे इतना हेणा हो, सही बताओ भाई। फोन में गेमर ज्यादा रमो थे, मम्मी लड़न फोन ले लो थे, पापा लड़न फोन ले लो वरना नाराज हो जाओ, ये बात नहीं बनी। फोन कम चलानो, गेम कम खेलना फोन में मेरी बजाय तो आप शारीरिक परिश्रम के द्वारा क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल हॉकी जैसा आप खेल खेल सको, पर फोन में खेल नहीं खेलना है आपने। ये ध्यान रखना है अपनो विशेष एक लक्ष्य वेणो एक उद्देश्य वेणो। और बारहवीं क्लास रा जो बच्चा बच्चिया ने विशेष ते मारो कहनो है कि जो अभी आप स्कूल आज विदाई समारोह रो आप रो आयोजन है, आप आगे कॉलेज में जाओला, तो आप रो एक लक्ष्य वेणो जो जे आज सो निर्धारित। भाई कोई रो लक्ष्य एक में बड़ो वे मास्टर बनू, कोई रो लक्ष्य एक में बड़ो वे डॉक्टर बनू, कोई रो लक्ष्य है बड़ो वेर में अग्निवीर बनू भारतीय सेना में जाऊं, अलग अलग लक्ष्य। तो लक्ष्य रे माते अपनो ध्यान केंद्रित हो। जैसे आप एक कहानी सुनी हो, गुरु द्रोणाचार्य जी हा जो धनुष विद्या सिखाता, तो धनुष विद्या सीखने बालक आता है खूब मेरे पास में। एक दिन री बात है, गुरुजी बोलिया कि भाई आज थारी परीक्षा है, इतना दिनों में आपने ये धनुष विद्या सिखा रही हो तो आज थारी परीक्षा है। तो एक बड़ा वृक्ष रे माते मिट्टी री चिड़िया रख दी द्रोणाचार्य जी और बोले के वो धनुषधारी आज री परीक्षा में पास वे लो
जो सीधो तीर रो निशानो चिड़ियारी आंख में लगावे। ठीक है, पहले विद्यार्थी रो नंबर आयो और तीर कबाण ले रहे से खड़ो हुयो तो गुरु जी बोलिया, रुक तन काय काय दिख रही हो। अनुभव बोले के मने तो वृक्ष दिख रही है, डाला दिख रिया है, पत्ता दिख रिया है, मेरे माते चिड़िया बैठी है वो दिख रही है। तो क्यों तू फेल है, तारू निशानो सही कौन लगे? आ थोड़ी वे लगा वो निशानो तीर लगावे पर निशानो सही जगह माते नहीं लगे। दूसरो विद्यार्थी आवे, क्यों तने कहीं कहीं दिखे? वो क्यों बेला की देखना में की फैलाणार की कमजोरी रह गई। वो कह मने रूखड़ो दिखे, रूखड़ा रे माते चिड़िया दिखे, डाला दिखे, पत्ता दिखे और लारे एक माड़ियो है वो ही दिखे। क्यों भाई था तू ही पहन ले? वो क्यों कहीं बात है, लारे थम्बो ही दिखे है, ये तो कभी की चूक तो नहीं रहेगी। क्यों नहीं तू भी फेल है, क्यों नहीं गुरु जी ट्राई तो करूं? वो लगावे पर निशानो चिड़ियारी आंख माते नहीं लगे। ऐसे करता करता अंत में अर्जुन आवे, अर्जुन जैसे ही धनुष ले खड़ोवे तो गुरु जी पूछे तन काय काय दिख रही हो? अर्जुन बोले कि गुरु जी मने तो केवल चिड़ियारी आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रही हो, केवल आंख दिख रही। तू पास है, थारो निशानो सटीक लागी और जैसे ही अर्जुन तीर चलावे तो निशानो जाहिर कठे लागे, आंख माते लागे, अर्जुन पास भी जावे। भाई क्योंकि अर्जुन रो ध्यान कठे केंद्रित हो, अर्जुन रो ध्यान केवल निशाने माते चिड़ियारी आंख माते केंद्रित हो। ऐसे ही आप ध्यान देना जोईजे कि भाई आपने पढ़ लिख और अपने माता पिता रो नाम रोशन करना है, अपने गुरु जी रो नाम रोशन करना है और अपनी स्कूल सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचेरा स्कूल रो भी आपने नाम रोशन करना है। इस संकल्प रे साथ में आपने विदाई लेनी है तो आप बड़ा वे वो बड़ा अफसर बनो। आपने गुरु जी मिली जने गुरु जी ने गर्व महसूस हुए। अभी बोलिया आगे भाई वो मुकेशी सर पहले बोलिया है कि भाई बोरानो परसेंटेज एक दुखियारो लड़को स्कूल में वो सुरेश दुखिया 92% बनाया और हमारे आश्रम रे पड़ोस में ही दुर्गेश कंवर जो ई विद्यालय में ही पढ़ी बच्ची और वो आज ग्राम सेवक है 93% भी रे बनिया था। तो गुरु जी ने भी गर्व महसूस हुए कि भाई ये मारा पढ़ावड़ा बच्चा है जो आज इतनी बड़ी पोस्ट माते पहुंचा है। तो मैं आप सब बच्चा ने यही कहनी चाहूँ कि आप खूब आगे बढ़ो और खूब पढ़ो, खूब माता पिता रो नाम रोशन करो और खूब आप रे जीवन में तरक्की वे, यही मंगल कामना है मारी। तो देखो कि अभी आप रहे अठे विद्यालय में डांस रहा प्रोग्राम भी वे तो डांस ही देखना नहीं आपने, विशेष जरूरी है। देखो तैयार जोड़ा बैठा भाई तो अभी आपने डांस भी देखनो है और कई कार्यक्रम वे हंसते ही तो आज शुरुआत पर शुरुआत ठीक कर दी मैं, ठीक ही करी सर। चलो एक गीत और सुनाऊंगा आपको, अब भजन को नो भजन तो धान का नहीं और सुनाओ। आज बच्चा ने वास्ते मन ही याद आएगा मारो बचपन तो मैं स्कूल में गातो जी का भजन थाने सुनाऊं, ठीक है? अभी एक आपने कविता गायन रूप में सुनाओ इमाइट भूमिरा एक विशेष जो कवि बियाहा जारी वीर रसरी कविता है। ये जोरड़ो गांव है नागौर के पास में और नागौर जोरडेरा कवि बियाहा कानदान जी चारण जारी कविता अपने पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो वे वीर रसरी एक कविता लिखी, आओ आप भी वीरों ने याद करता हुआ ये कविता ने बोला ला। साधों के श्री राम है, सूरों के श्री श्याम, दूजी दिसता के नहीं पड़े जो करड़ा का, आजादी रा रखवाला सुता मति रे जोरे, आजादी रा रखवाला सुता मति रे जोरे,
आपने प्राणा को बलिदान दियो, तो लिखे कवि कानदान जी, आजादी रखनी काही है भाला रीजनिया सुनो, आजादी रखनी काही है भाला रीजनिया सुनो, अरे सती शी मत जान मोतरी गोदी में सहजा सुनो, सती शी मत जान मोतरी गोदी में सहजा सुनो, आजादी रखनिया जाने पग पग पर तिल तिल मरनो, आजादी में मेरा खे जी का मौत बिना मांडे मरनो, अरे दोरी घणी आजादी आई सूजत रे जोरे, दोरी घणी आजादी आई आजादी खातर माँ बेना कांटा में बारा रुड़गी, आजादी खातर माँ बेना कांटा में बारा रुड़गी, अरे हथड़े रे मेहंदी लागोरी ओरा रे हाथा चढ़गी, हथड़े रे मेहंदी लागोरी ओरा रे हाथा चढ़गी, नवे दिन याद करी जोरे ताली, अरे आजादी रा रखवाला सूता मती रे जोरे, आवे ना के मोर मरद पर चलता रे जोरे, आवे ना के मोर मरद पर चलता रे जोरे, अरे मातृभूमि पर शीश चढ़ा कर मरनो ही मंगल जाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ा कर मरनो ही मंगल जाने, रमणियारी गोदी में नाही रण थे था रमणो जाने, रमणियारी गोदी में नाही रण थे था रमणो जाने, चमरियारे चढ़ने बलिदाना छड़नो जाने, गलिया में रमण री भेड़िया भीता में खटनो जाने, अरे मरुधर मारो देश, अरे मरुधर मरुधर मारो देश, अरे मरुधर मारो देश, मरुधर मारो देश, अरे मरुधर आजादी रा रखवाला सोता मती रे जोरे, आवेला के मोड़ मरद पर चलता रे जोरे, बोली भारत माता की। तो कैसे कवि कानदान जी चरण बतायो, वाला सोता मती रही जोरे, आवेला के मोड़ मार्ग पर चलता रही जोरे, आजादी रखनी काई है बालारी हिणिया सोनो, और आजादी सस्ती सी मत जान मोतरी गोदी में सहजा सोनो, बे हंसते हंसते चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसा सुरवीर अपने आप ने गोली लगाई ली भाई, मेरा बलिदान ने ये भारतीय जनता कभी नहीं भूल सके, आजादी रखनिया जाने
पग पग पर तिल तिल मरणो, आजादी ने वे राखी जी का मौत बिना मांडी मरणो, आजादी रा रखवाला सूता मती रही जुरे। आओ एक में और गीत गाऊं, ठीक है, भजन तो मैं हमेशा ही गाऊं पर आज मैं गीत गाऊं। मैंने दूसरा गीत पसंद नहीं है, पर भारत भूमि रा और देशभक्ति रा गीत, माइड भूमि रा गीत बड़ा ही प्यारा लागे। तो आओ एक अपाओ मारवाड़ी भूमि रो पावन गीत गावा, जिमें अपने राजस्थान री भूमि री विशेष महिमा है। सब
आप छतर ईसी मारो रक्षक जैसलमेर, आप छतर ईसी मारो रक्षक जैसलमेर। अरे इन रे गडरा पर कोटा है बांका गेर घुमेर, इन रे गडरा पर कोटा है बांका गेर घुमेर। गर गर गूंजे मेड़त नीरा, गर गर गूंजे मेड़त नीरा, गर गर गूंजे मेड़त नीरा। मीठा मीठा गान में तो कितरो तो परारे बखा, कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। ओरे धोरारी धरती रो पिछरंग, पारारी धर करमारी धर तीरों में तो कितरो तो परारे बका, कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। और वीर पदमड़ी हाड़ी रानी जेड़ी सतिया जाई, वीर पदमनी हाड़ी रानी जेड़ी सतिया जाई। जोदा दुर्गा दास जन्मिया जन्मी पन्ना धाई, अरे जोदा दुर्गा दास जन्मिया जन्मी पन्ना माई। अरे जोहर और जुंजार सुहोवे, जोहर और जुंजार सुहोवे, इन लोखरी पिछान कितरो तो करारे बकाल, कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। ताली भी साथ में एक बार बाबा जी रो स्वागत, ताली भी साथ में। अरे घोरे धोरारी धरती रो पिचड़ंग, पिचड़ंग पाड़ारी धरती रो मीरा, कर मारी धरती रो में तो कितरो तो करारे बकाल, कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। कण कण सो गूंजे, कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। बोली भा माता की, बोली भारत के सभी शूरवीरों की, बोली भारत के ऋषि मुनियों की, बोली भारत के सभी धर्मों की, जय जय राजस्थान। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा, ये बूढ़ा है फिर भी बच्चों ज्यादा हमें फुर्ती है, क्योंकि ये कभी नशा पत्ता नहीं करिया है, तो ये गुटका चुटका नसों आपने दूर रहना है, ठीक है। ये भी आपने मारो विशेष निवेदन है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं ये संस्था रा संस्था प्रधान मुकेश जी तांडी ने कि आज माने स्कूल में बुलाई और बच्चा रे साथ में जो माने आनंद आयो है, वास्तव में आप रे पास में तो खुशी रा ही जो अणु है परमाणु है, भी कारण सु आप बीच में आई माने भी बहुत प्रसन्नता भी।